So, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के। तो बहुत टाइम के बाद हम ब्लॉग शुरू करने वाले हैं। तो अभी ना मैं फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा था क्योंकि कैमरा मेरा हेलमेट पे माउंट है। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पहले तो सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। रीज़न थोड़ा बिजी था काम में, तो अभी जस्ट फ्री हूँ मैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो जब चैनल मोनेटाइज है तो क्यों ना उसका बेनिफिट उठाया जाए, अच्छी तरह से ब्लॉग भी किया जाए। तो बहुत टाइम के बाद अब व्लॉग करेंगे। आज रीज़न क्या है आज व्लॉग करने का, आज ही मुझे फ़ोन आया था रॉयल इनफील्ड से, जिन्होंने एक नई बाइक लॉन्च हुई है स्क्रैम 411। तो उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार कॉल आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं एक बार छोटी सी चेक करने, रिव्यू करने के लिए बाइक को कि कैसी है बाइक। और उससे पहले आपको किसी से मिलवाना है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो आपको बता दूं यार, मैं पापा बन चुका हूँ, फादर बन चुका हूँ एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बॉय का। तो आपको पहले मिलाता हूँ। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं करी थी, तो अब मैं एक बार फ़ोटो आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो बिना वेट करते हैं, चलते हैं पहले नीचे मिलाता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं रॉयल इनफील्ड, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है। तो इन्वाइट किया है तो हमारा जाना जाना भी बनता है। लेट्स गो। बू हेलो कर दे, कह दे सब्सक्राइब कर दो, बोल सब्सक्राइब कर दो। तो ये इस लड़के की मम्मी है, ये वीडियो इसके पापा है, ये को लड़का लाइक है। कर दो। और देख, हाँ कौन है, स्माइल कर दे के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और शेयर कर दो। तो चलो फटाफट से मैं जाने से पहले एक बार मिल लेता हूँ, तो उसके बाद हम आगे निकलते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ट्रैवलिंग मंडेज वीडियो चल रही है इनकी, ट्रैवलिंग मंडेज की, बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखना, बहुत ज़बरदस्त इनकी वीडियोग्राफी लगती है मुझे, मैं हमेशा इनकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ। तो अभी फटाफट से चलते हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे और फिर आपको दिखाते हैं कि जो मुझे बाइक थोड़ा लॉन्च सा हुई है वो मेकअप तो क्या करने है। देते तो वीडियो मुझे क्या नहीं होगा, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेकअप वैसे करने लिपस्टिक लगा देते, कुछ देख भी नहीं लगाता। नेचुरल नेचुरल ही होता है तो अरे मेकअप नहीं चाइना अच्छा मेकअप लगता। करने देते हो। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, आपको बाहर मिलते हैं। अभी आने वाले टाइम में व्लॉग्स शुरू हो जाएंगे। देखो डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे व्लॉग्स आते हैं थोड़े थोड़े दिन में ही, क्योंकि साथ में जॉब होती है तो वो देखो पेट तो वो ही पालती है ना, पेट तो जॉब ही चलाती है, तो ये तो एक साइड एन्जॉयमेंट प्लस इनकम होती है, तो इसलिए कोशिश करी जाएगी कि वीकेंड व्लॉग्स आए और टाइम टू टाइम आपको थोड़ा छोटा छोटा एंटरटेनमेंट हमारी तरफ से भी दिया जाए। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे लिए क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम जहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि स्क्रैम के लिए, तो एक बार जाते हैं चला के देखते हैं स्क्रैम क्या समझ आता है, देख लेट्स सी। तो जिस तरह की मैंने हिमालयन तो काफ़ी चलाई है और अच्छी भी है, लेकिन जहाँ पे जिसकी हाइट मैंने नोटिस किया है, अगर हाइट किसी की पाँच पाँच सात सात से ऊपर है तो उसके लिए हिमालयन ठीक है, लेकिन अगर किसी की पाँच पाँच सात से हाइट कम है तो उसके लिए मुझे जो लगता है उसके लिए स्क्रैम ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स सी। और इंजन वाइज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इंजन वाइज, तो लेट्स सी कि क्या है क्या सिस्टम है स्क्रैम का। तो ये स्क्रैम ना एक तरह से मुझे स्कैम सुनने को मिलता है, कोई नकली बाइक ना पकड़ा दे। तो जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बाइक देखने में तो बहुत अच्छी है। इस बार उन्होंने कलर्स कलर स्कीम बहुत अच्छी निकाली है, मेरे को जो ब्लू वाला कलर है उसको बहुत प्यारा लगता है। सो लेट्स सी, अभी हम बस पहुंचने वाले हैं रॉयल इनफील्ड लांबा शोरूम। तो अभी हमारे हाथ में आ गई है स्क्रैम 411। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि हाइट के हिसाब से तो ये सही है, हाइट के हिसाब से इंजन वाइज सेम ये वही है जो हमारी
हिमालयन नॉर्मल वाली होती थी। गियर लीवर इसका सिंगल नॉब है, जैसे क्लासिक होती थी, क्लासिक को अगर हम स्पीड में चलाते थे ना तो वो थोड़ी सी उसका इंजन जो है वाइब्रेशन करता था, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि ये वाइब्रेशन करेगा। एक बात की मैं बहुत तारीफ करूंगा बाइक की कि अगर हम टूरिंग करेंगे ना, लॉन्ग टूरिंग, तो यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि 60 की स्पीड तक तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। और अगर देखो तो वैसे भी मेरा चौथा, तो मेरी तरफ से ना इसके लिए पूरा एक बढ़िया थम्स अप है। अगर आपको चाहिए है तो डेफिनेटली आप परचेज भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं कुछ, लेट्स सी, देखते हैं उसके बारे में कि जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। कि उनके जो स्टॉक लाइट्स आती हैं वो बल्ब बहुत ज़्यादा डिम होता है, तो ये रॉयल एनफील्ड को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। और थोड़ा सा हैवी, ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, कहाँ से गिरा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और बाइक पूरी भीग गई है। आई होप कैमरे में सब क्लियर आ रहा हो, तो कोई नहीं, हम एक बार थोड़ा सा साफ भी कर देते हैं। अभी जो इसकी वेटिंग चल रही है वो चल रही है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की। इट डिपेंड्स ऑन कलर टू कलर, कि किसी कलर में 1 मंथ की चल रही है, किसी कलर में 45 डेज की चल रही है। सो आपको कौन सी लेनी है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कितनी वेटिंग है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरे पैर भी पूरे पहुँच रहे हैं। मेरी हाइट है 5'7", तो 5'7 to 5'8 है, और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो लेट्स सी कि मेरे पैर पूरे पूरे पहुँच रहे हैं। अभी आप देख रहे हो ना, तो मेरे पैर दोनों साइड पे पूरे पूरे पहुँच रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि आप अगर आपकी हाइट 5'7 or 8 से अबव है तो आई वुड प्रेफर कि आप हिमालयन पे जाएं, और अगर आपकी हाइट 5'8 to 7 से नीचे है देन आप उस पे जाए, कौन सी है आपकी सेकंड, स्क्रैम पे जाए। सो एक बार चलते हैं शोरूम में, ये तो भरपार है पूरी। तो मेरी तरफ से बाइक के लिए पूरा थम्स अप है, बाइक बहुत कंफर्टेबल है, टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है। हिमालयन का थोड़ी सी मेरे को ऊंची लगती थी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, अब लेट्स सी, सबसे पहले कि देखता हूँ कि मैं क्या प्लान आउट करता हूँ कि परचेज करने के लिए करता हूँ या नहीं करता। लेट्स सी, अभी तक कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। सो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा था क्या, अच्छा लगा क्या, बुरा लगा, कमेंट लाइक करो, डिसलाइक करो, जो मर्जी करना, लेकिन वीडियो को कुछ तो करना। मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, बाय।